हिंदुस्तान के बच्चों अलर्ट हो जाओ, अब आ रही है शर्मा जी की बेटी। ये वही शर्मा जी की बेटी है जिसके एग्जाम्पल हिंदुस्तान का हर घर देता है। शर्मा जी की बेटी काम ही कुछ ऐसा कर रही है, 12 साल की उम्र में ऐसा गाती है कि आशा जी तारीफ कर रही हैं। तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम चार बार। प्लीज वेलकम प्रीतम दा की क्यूटी पाई फाइनलिस्ट सौम्या शर्मा फ्रॉम विदिशा एमपी। जाने क्या हो अब आगे रे। सौम्या आपने बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर गाया। ये गाना इतना मुश्किल है, इसको अटेम्प्ट करने के लिए लोग थर थर कांपते हैं। यू नो, मुझे याद है, मतलब जब मैं शायद 7 साल की थी, एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें जो विनर थी उसने ये गाना गाया था। मैं उसमें सेकंड आई थी। तब से मेरे दिमाग में बस गया कि ये गाना जो अटेम्प्ट करे वो पहले तो बहुत मुश्किल है उसके लिए गाना, और अगर कर ले अच्छे से गा ले तो वो जीतता है। सो ये आपने इतना कमाल का गाना चूज किया, गाया, उसे निभाया इतने अच्छे से, और एट दिस स्टेज आप आसान रास्ता भी अपना सकती थी, बट आपने तो और भी मुश्किल गाना अटेम्प्ट किया है। सो फैंटास्टिक,
थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल तो सुनिधि मैम से है कि ऐसा कौन सा कंपटीशन था जिसमें आप सेकंड आ गए थे? था एक दिल्ली में कंपटीशन था, एज उज का डिफरेंस, सेकंड आने लायक ही गाया था मैंने, सो इट्स नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और उसके बाद मेरे डैड और मैं, डैड ओनली, मैं तो क्या, बट पापा हमेशा बिलीव करते हैं कि कंपटीशन का हिस्सा मत बनो। इसलिए नहीं कि जरूरत नहीं है, बात इसलिए है कि फोकस कहीं और होना चाहिए, गाना सीखने में होना चाहिए। करेक्ट। और फिर जो मैंने, जब मैं 11 साल की थी, नेशनल टीवी पे जो एक कंपटीशन था उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि हमारा एक सपना था जो हर किसी का होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुरों की गॉडेस देवी लता जी को हम कहीं दूर से देख भी पाएं। तो बस भगवान की कृपा यही थी कि पहुंच गई और जीत भी गई और उनसे ट्रॉफी भी ली। सो सबसे पहले तो मैं प्रीतम दा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद बिटिया के ऊपर रहा। सुनिधि मैडम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उन्होंने बेटी को बहुत मार्गदर्शन दिया है। बादशाह सर जो बारीकियां और उसको जो समझाते हैं गहरी बातें, वो बहुत अच्छी लगती है मुझको, उसके अंदर बैठा देते हैं। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पापा ने की है मेरे लिए, और चाहे वो मुझे 70 किलोमीटर दूर मुझे सिखाने के लिए ले जाए, चाहे वो मुझे यहाँ तक ले आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पापा को फैमिली के साथ रहने का बहुत ज़्यादा आदत है, तो वो अकेले नहीं रह पाते हैं, पर पापा मेरे लिए वहाँ पर होटल में अकेले रहते हैं। और फिर मैं जब रिहर्सल से थकी हुई आती हूँ, फिर मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती हूँ, और वह ऐसी खुश होकर सो जाती हूँ कि उस खाना नहीं खाया, भूखी ये ट्रेन है। तो सौम्य कहती थी, पापा चलो, नहीं तो आप परेशान हो, आपका दिन खराब होगा। तो मैं लेके जाता था, तो सौम्य भोपाल में सर कुछ खाती नहीं थी कि पापा के पैसे खर्च ना हो। मैं उसको कहता था, बेटा अपन ऑटो से चलेंगे। तो मुझसे कहती थी, पापा बस से चलेंगे, 5 मिनट में बस आ जाएगी, क्या फर्क पड़ना है 5 मिनट में। दो बजे विदिशा आके भी 6 बजे उठ के स्कूल जाती थी, 7 बजे जो स्कूल जाना होता था 6 बजे उठ के स्कूल जाती थी, और वही फिर 3 बजे आती थी। तो मैं को पिछले साल ट्यूशन भेजता था उससे पहले में, तो 1,000-1,500 रुपये फीस थी, ज़्यादा नहीं थी। तो सौम्या ने पिछली बार देखा कि मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो सौम्या ने मुझको टाला के, लो पापा मैं ट्यूशन नहीं जा रही, नहीं जा रही। मैंने कहा, बेटा मैं भेज रहा हूँ, जाओ। तो सौम्या सर ट्यूशन नहीं गई, और उसने कहा कि पापा मैं पढ़ूंगी, आपको मैं करके दिखाऊंगी, 80% से ऊपर लाऊंगी, 90 लाऊंगी, कहने लगे। और सर विश्वास करिए कि जब ये म्यूजिक क्लास जाती थी, लौटती थी रात को 9:30 बज जाते थे, इसके बाद होमवर्क करती थी 11 बज जाते थे, इसके बाद याद भी करती थी इसकी ट्यूशन की पूर्ति करने, तो 1-1 बजे तक सौम्या पढ़ती थी मुझको सिद्ध करने के लिए, पापा मैं करके दिखाऊंगी। और सर उसने करके दिखाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा वर्ल्ड के पूरे बेस्ट पापा हैं। पापा, मैं आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा, मेरे पापा, पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा
सौम्या सौम्या आओ ना मेरे पास, आओ ना प्लीज। इतनी छोटी बच्ची इतनी मेहनत करती है।